दोस्तों, बेदाग और चमकती हुई स्किन किसे पसंद नहीं होती है, हमारी एज चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सभी की चाहत एक ही होती है कि हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए, हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, डार्क सर्कल्स, टैनिंग, सनबर्न, मंकी माउथ जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और हमारा चेहरा एक जैसा दिखने के साथ साथ बिल्कुल चमकदार होना चाहिए ताकि हम कहीं पर भी जाएँ ना तो शायद हैलोजन की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, ये तो हुआ मजाक, लेकिन डेफिनेटली हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन में ग्लो बहुत सारा होना चाहिए और इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ आप अच्छा खाएंगे ना तो डेफिनेटली आपका जो चेहरा है वो अपने आप ग्लो करने लगेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि जो भी आप आज खाना शुरू करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से वो लगभग 40 से 45 दिन बाद आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम खाते हैं वो हर एक धातु में कन्वर्ट होती है और जब वो धातु में कन्वर्ट होती जाती है तब जा कर के लास्ट में 45वें दिन हमारी स्किन में उसका ग्लो दिखाई देता है। तब तक तो हम उस चीज़ को करना ही बंद कर चुके होते हैं। तो क्या करें अपने चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए? तो आयुर्वेद ने ही आपको कुछ ऐसे नुस्खे दिए हैं जिन्हें अगर आप बाहर से इस्तेमाल करते हैं तो वो ना सिर्फ आपकी स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करता है बल्कि आपके चेहरे को इंस्टेंट ग्लो भी देता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे ही नेचुरल आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जिसे अगर आपने इस्तेमाल किया तो मैं आपको यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वादा कर रहा हूं कि 3 से 4 हफ्तों में ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। लेकिन सिर्फ शर्त इतनी है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा कीजिएगा और जब जब लगाने को बोल रहा हूं तब तब लगाइएगा और 3 से 4 हफ्तों बाद कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। सो देर किस बात की है, आप भी चाहते हैं ना अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना? तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम स्किन को हेल्दी या ग्लोइंग बनाने की बात करते हैं सो 3 चीज़ों पर हमें मेन ध्यान देना होता है। पहला चीज़ कि हमारी स्किन पर डेड सेल्स बिल्कुल जमा नहीं होने चाहिए ताकि स्किन के नीचे जो दबे हुए जो नए सेल्स हैं वो बाहर आ जाए, और जब वो बाहर आ जाएंगे तो ग्लो तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि वो जो नए सेल्स होते हैं ना वो तो ग्लोइंग ही होते हैं। दूसरी चीज़, हमारी स्किन पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए क्योंकि खून ही वो चीज़ है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो सब कुछ न्यूट्रिशन हमारे शरीर में खून के माध्यम से ही तो एक जगह तक जा रहा है, हर एक कोशिका तक पहुंच रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। एंड नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है आपकी स्किन पर हाइड्रेशन, नमी बरकरार रहनी चाहिए, और इन तीनों चीज़ों को ये नुस्खा बहुत अच्छे से पूरा करता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें 6 चीज़ें चाहिए। सो पहली जो चीज़ दोस्तों हमें चाहिए वो चाहिए बादाम का पाउडर। बादाम का पाउडर आपको बहुत इजीली पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। मैं भी आपको इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करने के अमेजोन लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इजीली परचेज कर सकते हो। सो बादाम जो है उसके अंदर विटामिन ई बहुत होता है, और साथ ही साथ जो बादाम होता है ना वो थोड़ा सा खुरदरा होता है, मतलब कि थोड़ा सा वो फाइन पाउडर नहीं होता, उसका थोड़ा सा वो खुरदरा रहता है, तो उसकी वजह से जब आप इसको स्किन पर लगाते हैं तो उससे हमारी स्किन में जमी जो डेड सेल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सो बादाम का पाउडर कितना चाहिए? सो बादाम का पाउडर हमें यहाँ पर चाहिए लगभग 25 ग्राम। 25 ग्राम ये बादाम का पाउडर हमारी स्किन के अंदर चाहे ऑयल हो, चाहे ड्राई हो, चाहे मैच्योर हो, चाहे सेंसिटिव हो, उसके पीएच को बैलेंस कर देगा और साथ ही साथ हमारी स्किन के ऊपर जो जमा डेड सेल्स हैं उन्हें भी ये बाहर निकाल देगा। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए जो मिलाना है वो है ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलकों का पाउडर। संतरे के अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है और मैंने बहुत बार आपको बताया है अलग अलग वीडियोस में कि जितना विटामिन सी संतरे में होता है उससे 2 गुना विटामिन सी संतरे के छिलके में होता है। सो संतरे के छिलके में होने वाला ये विटामिन सी जो है ये हमें इस पाउडर में बहुत हेल्प करेगा। तो हमें यहाँ पर लेना है 25 ग्राम संतरे के छिलकों का पाउडर और इस पाउडर को अच्छे से इस बादाम के पाउडर के साथ में मिला लेना है।
तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए टमाटर के बीजों का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, टमाटर के अंदर जितना लाइकोपीन होता है उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा लाइकोपीन टमाटर के बीज में होता है। और टमाटर के बीज की मैं बात करूँ, उससे पहले मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि बीज एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन उसमें कितना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। और ये वृक्ष जो है वो सोचो कि वापस से कितने सारे टमाटरों को, कितने सारे दूसरी चीज़ों को उत्पन्न करता है, तो सोचे कि इस बीज में कितनी ताकत है। तो यहां पर आपको इसमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा लेकिन प्लीज मंगवा लीजिएगा मेरे कहने से टमाटर के बीजों का पाउडर। ये आपको बहुत इजीली अमेज़न पे मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो टमाटर के बीजों का पाउडर भी हमें यहां पर 25 ग्राम मिलाना है। इसके अंदर जो लाइकोपीन है ये हमारी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है, अगर स्किन ड्राई है तो हाइड्रेशन मेंटेन करता है, और स्किन की जो टैनिंग है उसे बहुत इजीली कैसा इरेजर आपके पेंसिल के लिखे हुए को मिटा देता है, बिल्कुल वैसे ही आपके चेहरे के कालेपन को, आपके चेहरे की टैनिंग को, सनबर्न को, पिगमेंटेशन को हटा देता है। चौथा जो इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों हमें वो चाहिए रोज पेटल्स, मतलब कि गुलाब की पत्तियों का पाउडर। गुलाब के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को एजलेस बनाते हैं, मतलब हमारे चेहरे की जो बुढ़ापा है, जो फाइन लाइंस हैं, जो रिंकल्स हैं, उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर गुलाब की पत्तियों का पाउडर इस्तेमाल करना, ये भी हमें यहाँ पर चाहिए 25 ग्राम। पाँचवा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए सौंफ का पाउडर। जो सौंफ होती है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मुखवास के रूप में, उसी सौंफ का पाउडर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसके अंदर स्किन को ब्राइटनिंग, लाइटनिंग और टाइटनिंग इफेक्ट देने की प्रॉपर्टीज होती हैं। और यहाँ पर सौंफ भी हमें 25 ग्राम ही ऐड करनी है, मतलब सौंफ का पाउडर हमें यहाँ पर 25 ग्राम ऐड करना है। सबसे लास्ट जो चीज़ है दोस्तों वो है टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमें यहाँ पर चाहिए लगभग 1 से 2 ग्राम, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा हल्दी मिला दी तो पूरा चेहरा पीला ही पीला हो जाएगा। सो अभी तक हमने टोटल 6 चीजें ली हैं। हमने लिया है बादाम पाउडर 25 ग्राम, ऑरेंज पील पाउडर मतलब संतरे के छिलकों का पाउडर 25 ग्राम, टमाटो सीड पाउडर मतलब कि टमाटर के बीजों का पाउडर 25 ग्राम, रोज पेटल्स पाउडर मतलब गुलाब की पत्तियों का पाउडर 25 ग्राम, फिर हमने लिया है सौंफ पाउडर 25 ग्राम और 1 से 2 ग्राम हमने यहां पर हल्दी पाउडर ले लिया है। इन सारी चीजों को बढ़िया से मिला लीजिए और लीजिए, आपका बन गया है स्किन ब्राइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग, एंटी पिगमेंटेशन उबटन पाउडर तैयार। अब इस पाउडर को बनाने के बाद एक एयरटाइट डब्बे में रख लीजिए। अब आपका सवाल आएगा, सर इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। रोज आपको इसमें से 1 चम्मच पाउडर लेना है और इस 1 चम्मच पाउडर को आपको लगभग 2 चम्मच दही के साथ इसका पेस्ट बना लेना है, और दही के साथ इसका पेस्ट बना के पूरे चेहरे पर लगाना है, और चेहरे पर लगा करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, और फिर हल्के हल्के हाथ से मसाज करके अपने चेहरे को जब धो लोगे तो आपकी स्किन बोलेगी आई लव यू। आई लव यू क्यों बोल रही है? क्योंकि आपने आपकी स्किन का ध्यान रखा है, और वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्किन का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली स्किन भी अपना ध्यान रखेगी और स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। सो इस नुस्खे को 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति ज़रूर अपनाए, और किसी भी एज ग्रुप में हो आप इसे आराम से अपना सकते हैं। इस पाउडर को जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है उससे ज़्यादा ना बना के रखें, क्योंकि पाउडर्स हैं ना कभी कभी नमी पकड़ लेते हैं, एकदम जम जाते हैं, फिर हमें इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। So, इतनी क्वांटिटी में बनाए और चाहे हर बार बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, और इसे आप जिंदगी भर फॉलो कर सकते हैं। रोज रात को सोते समय अगर ये करके सोगे ना तो आपको धीरे धीरे खुद से बहुत प्यार होने लगेगा, और जब खुद से प्यार होने लगे ना तो खुद को तो बोलना ही है आई लव यू, लेकिन मुझे थैंक यू बोलना नहीं भूलना है। थैंक यू बोलिएगा क्योंकि आपके थैंक यू की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो कंटेंट आपको बताया आपको बहुत पसंद आएगा, आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और आप डेफिनेटली धीरे धीरे अपनी स्किन से प्यार करने लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।